मैं रुपेश आज मुद्दे की बात में फिर से दरभंगा लेके चलूंगा मैं आपको। दरभंगा के एक जदयू के कल एक विधायक से बात हुई थी हमारी, उनका नाम था अमरनाथ गामी। उनसे बात होने के बाद ये बात उन्होंने सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत सारा प्रगति के पथ पर उन्होंने काफी सारे काम किए हैं, उन्होंने सड़कें बनाई है, उन्होंने बिजली विभाग का काम सही किया है। आज पार्टी प्रतिपक्ष से उनके चेहरे को दिखाने के लिए हमारे सामने हैं गीता देवी, जो कि राजद की प्रदेश महासचिव भी हैं और जिला परिषद दरभंगा जिले की जिला परिषद भी हैं। इनसे अभी बात करते हैं। और आपको ये भी मैं बता दूं कि ये इस बार की चुनाव में विधायक के पद के लिए सबसे प्रत्याशित, अगर कहा जाए कि जो सबसे प्रत्याशित कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं, और इनका इनका सबसे ज्यादा रुझान है राजद के सब लोगों में, कि जो सबसे ज्यादा उम्मीद है कि इनको ही सीट और इनको ही टिकट मिलने की संभावना है। तो अभी मैं गीता देवी के साथ जुड़ता हूं और आपको उनसे रूबरू कराता हूं। गीता देवी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? गीता जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस बार अगर आप चुनाव लड़ते हैं या चुनाव में उतरते हैं तो आपका चुनावी मुद्दा क्या होगा? अमरनाथ गांधी जैसे बोले, अमरनाथ गांधी जी कुछ भी आप सर्वे करा लीजिए। हायाघाट कितना पिछड़ा हुआ क्षेत्र है सर, कितना पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, कहीं रोड का नाम निशान नहीं है। मैं पूरा क्षेत्र में भ्रमण कर रही हूँ, क्योंकि एक पार्षद हूँ, अभी वर्तमान में पार्षद हूँ, जिला पार्षद, मेरी आठ वर्षा एक के हूँ, और क्षेत्र में भ्रमण करते रहती हूँ। इतना बड़ा समस्या सर, कहीं रोड का नाम निशान नहीं है, शिक्षा कहाँ से मिलेगा? यदि आपके क्षेत्र में रोड नहीं है तो विकास कहाँ से होगा? सबसे पहला जरूरी है रोड, उसके बाद शिक्षा, सब स्वास्थ्य, शिक्षा की सबसे महत्वपूर्ण चीज है। न यहाँ कोई हॉस्पिटल है सर, न सब हॉस्पिटल है सर, कहीं कुछ भी नहीं है। यहाँ सिर्फ मुखौटा देखा जाए तो मुखौटा है। विकास के नाम पर अमरनाथ गांधी जी 10 साल जनता के सिर्फ ठगे हैं, कुछ भी काम नहीं किए हैं। अच्छा, यदि यादव से हमको टिकट मिलता है सर, सबसे पहला काम मेरा यही होगा, सबसे पहले रोड बनाऊंगी। इससे के लिए मैं जब से जिला पार्षद हूँ, इतना मेरा क्षेत्र है और भी क्षेत्र है। उन्होंने तो मैडम, उन्होंने तो गीता जी बहुत सारे वादे किए और बहुत सारे बातों में उन्होंने कल एकदम कॉन्फिडेंट होके ये बात कही है, इतने विश्वास के साथ उन्होंने कही है ये बात कि हमने सड़कें बनाई है, हमने बिजली बनाई है, हमने कई ऐसे काम किए, जैसे अशोक पेपर मिल है उसके लिए हमने विधानसभा में आवाज उठाई है। तो वो सारी बातें कहाँ है मैडम? मतलब कि उन सब बातों में आपको क्या लगता है, मतलब सही है या गलत है या क्या क्या है, उसका क्या कहना चाहते हैं आप उसके बारे में? 100% गलत है सर। जी, कंगन के आरती क्या, पढ़ा लिखा के आरती क्या, एक मुहावरा है। जी, आप जी, जी। आके यदि सर्वे करते हैं तो मेरा बहेरी 8:1 में आप सर्वे करा के देख लीजिए, कहीं भी रोड हो सर, मेरा जो रोड है 2008 का पेंडिंग रोड है। मेरा क्षेत्र में 6 पंचायत में 6 के 6 में रोड नहीं है। आप आके यदि देखना चाहते हैं, उनका जो मुखौटा है वो, अच्छा मैं बोल रही हूँ वो, आप क्षेत्र में आइए, क्षेत्र में आके भ्रमण कीजिए। आप मीडिया नहीं, आप एक बार सर्वे करा लीजिए कि सही बोल रही है गीता देवी या गलत बोल रही है। नहीं, आपकी बातों में दम है मैडम, क्योंकि हमारे पास में कुछ तस्वीरें भी हैं यहाँ की, वो तस्वीरें बयां करती है कि वहाँ की सड़कों की हालत कैसी है। हल्की सी बारिश में ही वो बाढ़ के स्थिति में पहुंच जाता है और इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं वहाँ पे, जो कि मतलब कि वहाँ पर लोगों का एक्सीडेंट होना तो स्वाभाविक लग रहा था। मैंने वो तस्वीरें देखी तो मैं खुद डर गया कि जो मतलब क्या ये सड़कों की हालत होगी, और वहाँ के जो सिटिंग MLA हैं, जो विधायक जी हैं, वो इतने बड़े बड़े वादे कर रहे हैं उस पर। चलिए, ये बात तो हो गई। अब मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ, ये पेपर मिल का क्या मामला है मैडम, इसके बारे में आपका क्या कहना है, अशोक पेपर मिल के बारे में? अच्छा, बिहार का रोजगार था, सबसे बड़ा रोजगार हायाघाट के था सर, वहाँ गरीबी थी, वहाँ जब पेपर मिल चलता सर तो वहाँ के जनता कितना खुशहाल रहती। आज हम
जहाँ जा रहे हैं या दिल्ली पंजाब हरियाणा कहीं भी जा रहे हैं कमाने के लिए, यहाँ क्षेत्र में यदि गरीब था या बेरोजगार लड़का था पढ़ा लिखा था जो कि ब्लैक था, ब्लैक को आदमी पेपर मिल में इतना सारा आदमी खट था, आज पेपर मिल नहीं चलने के कारण कितना बेरोजगार है। सरकार यही सिर्फ चीज सिखाते हैं कि हम विकास ऐसा भी नहीं विकास जी, मतलब कि सुशासन बाबू, सिर्फ कहने का मतलब ये है कि जो सुशासन बाबू सिर्फ नाम के सुशासन बाबू हैं आपके हिसाब से। तो इस बार जो गीता देवी, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि इस बार जो आप चुनाव में उतरेंगे तो चुनाव में आपका मतलब जनता जो होगी तो जनता से आप क्या वादे करेंगे, आपके आपके मतलब कि क्या क्या मुद्दे होंगे, उन मुद्दों के बारे में जानना चाहूंगा। मेरा मुद्दा ये होगा यदि हम विधायक बनते हैं सबसे पहला मेरा मुद्दा कि मेरा क्षेत्र का रोड पूरा हो, उसके बाद मैं स्वास्थ्य पर ध्यान दूंगी। मेरा हम जुड़े हैं एनजीओ मेरा है गौतम बुद्धा ग्रामीण विकास फाउंडेशन, मैं बहुत जुड़ी हूँ और मेरा डॉक्टर साहब सब भी बहुत जुड़े हैं, बहुत सेवा करते हैं फाउंडेशन में, मैं आज बनाई थी उसके और समाज का फ्री और बहुत हम लाल करेंगे, ये मेरा मुद्दा रहेगा। उसके बाद रोड सड़क का भी सर मैं इंजीनियर के पत्नी हूँ और इसके नाते सर मेरे हस्बैंड थोड़ा सा हेल्प करते हैं जो कहाँ कहाँ जैसे मेरा क्षेत्र में अभी सर मेरा आठ करोड़ केस चल रहा था, अब जो है केस चल रहा है उसको हम क्या कर सकते हैं, अब कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मैं उस जिला को उठाई कहाँ केस था कि चार इकाली इतना मीटर में केस था, वह इकाली मात्र 100 मीटर में केस था, 3 रोड बाधित है जो मेरा छह पंचायत के कनेक्ट करता है सर, वह नहीं हो पाया रहा था, उन विधायक जी से नहीं हो पाया उसमें, हम उसमें केस के गए हाईकोर्ट गए सब भी काले केस के मुद्दा पर सब निकाल के कागज जी पी आर तैयार कर के सचिव महोदय से मिले, ग्रामीण विकास सचिव महोदय उनसे मिले, सर से बात किए, सर बोले कि जो केस में है सर, हम सर से बोले कि सर केस में रहेगा यदि 50 साल केस में रोड रहेगा तो क्या 50 साल जनता रोड से वंचित रहेगी, यही सरकार सुशासन के है बताइए। सर बोले कि ठीक है मैडम आपका जो रोड है वह बनेगा, हम कहें कब बनेगा सर, जब जनता कितना एक्सीडेंट हो रहा है, जब औरत देवी देवी के समय होता है समय पर हम लोग बहुत नहीं पाता, बहुत सारा समस्या है सर, रोड को देखा जाए उसमें सर थोड़ा सा हेल्प किए उन्होंने से सर्वे वर्वे करवाए, तो सर्वे वर्वे करा के बाद बहुत सारा बहुत मेहनत के बाद बहुत मेहनत लगा बहुत मेहनत किए सर इख्तियार तैयार करके बहुत सारा काम किए, उसके बाद हम दिए हैं सचिव महोदय के सर के टेंडर में, इसका कोशिश के बाद अपना क्षेत्र के हम रोड बनवा रहे हैं। तो आपके एरिया में मैडम ये भी जानना चाहूंगा मैं कि जो ठीक है वो सड़कों की बातें तो आपने उनको कही, सड़कें बनी या नहीं बनी ये बताएं आप, सड़कें बनी या नहीं बनी? नहीं बनी बेटा, सड़कें नहीं बनी, तो मतलब आपके आपके किए हुए प्रयास का कोई असर नहीं हुआ। वो अगर गामी जी आप सुन रहे हैं तो आप सुने इस चीज को और आप देखें कि आपने जो कल मुझे ये बातें बताई थी, पब्लिक को जो बातें बताई थी आपने कि जो आपने सारे अपने अचीवमेंट्स जो गिनाए थे आपने कि जो ये किया है आपने वो किया है, वो कहाँ है आपके सामने, आपकी पोल खुलती नजर आ रही है। एक मैडम एक एक और मुद्दा है, एक मुद्दा और बनता है वहां पे कि जो जो ये आपका एक क्षेत्र है उस क्षेत्र का नाम है बहेरी जो है वहां पे रेलवे की कमी है, लंबे समय से लोग महसूस कर रहे कि जनता इसका मांग भी कर रही है, इसके बारे में क्या कभी विधायक जी कुछ किए हैं या फिर उस पर आपका कोई विचार है, आप कुछ कहना चाहते हैं उस पर? जी, आप कुछ कहेंगे कि पूरा पूरा विकास करें, सबसे पहले विधायक बनती हूँ सदन से भी मांग करेंगे मेरा बहेरी क्षेत्र जब सर बीच में रेलवे स्टेशन बने जनता खुशहाल हो, क्योंकि उम्मीद हमें जो करना है हरवाल में चाहिए पूरा जनता एकदम विकास हुआ हो और वहाँ का जनता पूरा खुशहाल रहे, हम कोशिश कर रहे हैं। अच्छा मैडम ये जानना चाहूंगा मैं गीता जी आपसे कि ये जो है आपका
राजद जो है जाना जाता है, मतलब राजद का जो की जो पार्टी है वो जानी जाती है जातिवाद की राजनीति करती है, ऐसा कहते हैं लोग। तो इस जातिवाद की मैं ये कह रहा हूं कि राजद जो है ये पार्टी जानी जाती है जातिवाद की राजनीति के लिए, मतलब कि ये फॉरवर्ड है, ये बैकवर्ड है, ये यादव हैं, ये कायस्थ हैं, इन सब की राजनीति करना जानते हैं वो लोग। तो मतलब कि क्या आप भी इस तरीके के कुछ राजनीति करने के पक्ष में हैं? जी पार्टी भी नहीं कर रही है, हम तो करेंगे जी। जातिवाद करने से समाज की स्थिति नहीं होगी। आज मेरे देश को जाति में बांटा जा रहा है, देश के बर्बाद किया जा रहा है, जिसे हिंदू मुस्लिम करके, क्योंकि हम लोग सब इंसान हैं, हम लोग के सबको विकास जी। तो मैडम गीता जी मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा कि तेजस्वी यादव जो आपके मतलब मुखिया हैं, मतलब राजद के मुखिया हैं, तो वो तो आरक्षण को लेके बड़े बड़े आंदोलन करते हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए सर, मैं भी यही बात थी कि हम भी थोड़ा सा मांग करेंगे जी, जी। तो हम बैकवर्ड क्लास जाते हैं, तो बैकवर्ड का मतलब नीचे है थोड़ा, तो उतना कहिए ना, हर इंसान को हर कोई का कपड़ा, रोटी कपड़ा और मकान, तो रोटी कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, सब खाली चाहिए। यदि इंसान अच्छा बनाना चाहते हैं, बिहार अच्छा बनाना चाहते हैं, हर कोई खुश रहेगा, डेवलप होगा, तभी तो विकास रहेगा सर, तभी तो हम समाज का अच्छा काम किए हैं। यदि हम जाति पाति में बांट के समाज के शोषण करेंगे, अच्छा बात भी नहीं, एक तरफ आप मैडम कह रहे हैं कि जो जाति पाति में नहीं बांटना है, दूसरी तरफ कह रहे हैं आप कि जो दोनों को एक साथ लेके चलना है, मतलब मैं चलिए जो भी है इन सब बातों को मैं यहाँ पर, तो समय की थोड़ी सी कमी होने की वजह से मैं इसको यहीं पर विराम देता हूँ। आपको शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, थैंक यू। आपने अभी सुना कि अभी गीता देवी से मेरी लास्ट सवाल जो मैंने पूछा कि जातिवाद पे आप क्या कहते हैं, जातिवाद की राजनीति राजद करती है, इस पर आपका क्या कहना है, तो उन्होंने मिली जुली बातें कही। एक बार तो उन्होंने कहा कि जो सबको मिला जुला के चलते हैं हम लोग, दूसरा उन्होंने वो छोटी जात के लोग जो होते हैं या फिर आरक्षित जो लोग होते हैं, बैकवर्ड क्लास के जो लोग होते हैं, उनको बराबर क्या दर्जा देने की कोशिश करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि जो सबको बराबर का हक चाहिए, आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पर कोई बात स्पष्ट नहीं की। लेकिन उन्होंने जो पार्टी पक्ष की के जदयू के नेता गामी जी हैं, उन पर जमकर निशाना साधा और उनको बुरी तरीके से धो डाला। उन्होंने सड़क की समस्या बताई, रेलवे की समस्या बताई, उन्होंने बोला कि स्वास्थ्य की स्थिति लचर है, कुछ भी सही नहीं चल रहा है। तो गामी जी, अगर आप मेरी बात को सुन रहे हैं तो आप भी देखें कि आपकी पार्टी प्रतिपक्ष क्या कह रही है। मैं इसी के साथ इस बात को यहीं पे विराम दे रहा हूं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, तब तक के लिए देखते रहें प्रत्येक न्यूज लाइव। नमस्कार।